आदरणीय श्री पवन कुमार पंचल। चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री विनय मित्तल जी, मेंबर ट्रैफिक श्री के श्रीवास्तव जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री एस के खन्ना जी, श्री दीपक शैली जी, श्री रमन शर्मा जी, श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, श्री झा जी, श्री जे पी सिंह जी व इंडियन रेलवेज प्रमोटिंग ऑफिसर्स फेडरेशन के अलग अलग जगह से आए सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण या उपस्थित बहनों व भाइयों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपने जब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हमें उसमें आपने याद किया, हमें बुलाया, आपके बीच में आने का मौका दिया। रेलवेज में मुझे बहुत थोड़ी देर ही हुई है, इसलिए अभी बहुत चीज़ों की जानकारी हासिल करनी है। उनमें एक आप से ताल्लुक रखने वाले मुद्दे हैं। मैं वैसे कभी भी कोई ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं रहा, लेकिन ट्रेड यूनियंस के साथ ताल्लुक बहुत रहा है और हमेशा उनके जो विषय होते हैं, जिन बातों को लेके वो किसी जगह प्रशासन से उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं या उनके लिए निगोशिएशन करते हैं, तो ज़रूर उनका साथ देता रहा हूँ। ऐसे ही यूएच झा जी हैं, बहुत वर्ष पहले इनके लिए कोर्ट अरेस्ट किया था और तुगलक रोड के थाने में भी गए हुए हैं। मैं ये मानता हूँ, जब साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि कोई भी संस्था होती है, उस संस्था की कामयाबी सिर्फ कुछ चंद ऊपर वाले लोगों पे मुनसर नहीं करती। उसके जो सही मायने में बल होता है, उसकी ताकत होती है, वो जो लोग उसको नीचे से सींचते हैं, उसको अपने खून पसीने के साथ उसको मजबूत करते हैं, उन पे मुनसर करती है। और इसीलिए बेशक वो सरकार हो या कोई छोटा दायरा हो, सरकार के करोड़ों करोड़ लोग उसमें हैं, 60-70-80 ऊपर मिनिस्टर होते हैं, आईएएस ऑफिसर कुछ सेक्रेटरी हो गए, लेकिन सिर्फ वो सरकार का चेहरा नहीं होते। सरकार का चेहरा तो सही मायने में वो एट द डिलीवरी पॉइंट, द कटिंग एज जो होते हैं वो होता है, और उनका लोगों से वास्ता पड़ता है, उससे वो एक भावना पैदा होती है लोगों के मन में, उससे वो छवि बनती है कि सरकार का काम क्या है। ऊपर वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी जिम्मेदारी जितना बड़े कोई अहदे पर होगा, बड़ी जगह पर होगा, उसकी ज़्यादा बनती है, लेकिन सिर्फ वो अपने आप में अगर समझे कि वो सब कुछ कर सकते हैं, वो संभव नहीं होता। इसलिए सभी की ज़रूरत है, इसलिए आवश्यक ये है कि सभी के बीच में, जिसको हम अक्सर वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं, वो एक सार्थक, एक अच्छा, एक सार्थक आपस में वो एक तल्लुकात, एक रिश्ता होना चाहिए। और वो मुझे जान के खुशी हुई है कि रेलवेज में काफ़ी हद तक और सभी जगह से वो ज़्यादा अच्छा है। ये अधिकार होता है एम्प्लॉयज़ का, जो अपनी बात औरों के सामने रखें, और ऊपर वालों का फ़र्ज़ हो जाता है कि उस बात को सुने, उस बात पे गौर करें। लेकिन ये हर वक्त नहीं होता कि जो भी बात कही वो बात मानी जाती है, बेशक वाजब लगती है, बहुत अच्छा होता है। और शायद ऐसा ही अभी, जैसे मैंने कहा, अभी तो बहुत कुछ रेलवेज़ में देखना है। अभी एम्प्लॉयज़ से मुलाकात तो होती रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उसके प्रति जान नहीं सका। इसीलिए मैं जितेंद्र सिंह जी से कह रहा था कि अब सेशन ख़त्म हो चला है, कल को उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ज़रूर आपके साथ बैठ के आपके क्या क्या जो मुद्दे हैं, जो ज्वलित हैं, जिन पे आप समझते हैं, जैसे मुझे थोड़ा बताया आपने एकदम कि स्टैग्नेशन का है, और आपकी डीपीसीज के जो में विलंब हो जाता है उनका है, और आपने बताया कि साथ साथ अब इससे फ़ायदा क्या हो सकता है रेलवेज को, फिनेंशियल आउटगो नहीं कोई, बल्कि उसमें आप कहते हैं कि इतनी बचत हो सकती है, 100 करोड़ रुपए तक रेलवेज को सालाना बचत हो सकती है, जो आप ये जिक्र करते हैं, तो उस पर हम क्यों नहीं गौर कर रहे हैं, ये मुझे देखने की ज़रूरत है। मैं समझूंगा, फिर आपसे उसके बाद बात करूंगा कि कोई उनका भी अपना विचार होगा, उनका भी कोई, जिन्होंने नहीं इस बात को आपसे बात करने के बाद उसको नहीं अभी तक माना गया, उनका कोई विचार होगा। दोनों राय, दोनों पक्ष को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद हम इस पर ज़रूर कुछ कर पाएंगे।
मैं बहुत चीज़ों पे आपका आज इस वक्त समय नहीं लेना चाहता। मैंने आते ही कहा था कि खुद ही जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही फिर और इसके बाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी ने मिलके इसको एक मजबूती देनी है ऑर्गेनाइजेशन को। एक बहुत बड़ा दायरा रेलवेज का है, अपने आप में देश में सबसे बड़ी अगर कोई एक संस्था है वो रेलवेज है, और सभी के लोगों के जीवन को ये छूती है, उनके सभी से इसका सीधा संदर्भ है, इससे ताल्लुक है उनका, सभी का, लोगों का। 2,30,00,000 लोगों ने रोजाना सफ़र करना, 26,00,000 टन रोजाना भाड़ा ढोया जाना, इतने 14,00,000 इसके परिवार, इतना मजबूत, इतना सशक्त बड़ा परिवार होना, तो इसका बहुत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत अच्छे हम ताल्लुकात के साथ, रिलेशंस के साथ आपस में बात करें। एक बात मुझे पहले मेरे मित्तल जी ने, CRB ने पहले बहुत एक पत्र दिया था, मैंने आगे फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था, आपका वो ग्रेड पे वाला अभी उसमें नहीं हुआ, उधर से एक बार तो 5400 पे वो उनसे अपनी दिक्कत, अपनी उन्होंने डिफिकल्टी अपनी उन्होंने जाहिर की, उस बात से हमें डिस्करेज नहीं हो जाना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, उसको बात को मैं फिर उनसे करूँगा, उनको लिखूँगा भी और वित्त मंत्री से वो बात करूँगा, क्योंकि बात मुझे अच्छी लगी थी कि वो सही है। Let's see that we try to do our best in that regard. मैं और चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता, बस आते वक्त एक वो अक्सर जो मन की बात होती है उसको कह देता हूँ। बहुत वर्षों से इस सड़क से निकलता था, हमेशा आपके चुनाव के समय ऑर्गेनाइजेशंस के झा जी हैं, मिश्रा जी हैं यहाँ, इलेक्शंस के समय जब बाद में भी पोस्टर से ये दीवार भरी रहती थी आपकी, अच्छी नहीं लगती बहुत वो। हमें अपने आप में वो एग्जांपल सेट करना है, सचान जी शायद बैठे हैं कि नहीं, मैंने उनको कहा था कि इस दीवार को सभी को कह के उसको साफ अच्छी करवाइए, आज मुझे प्रसन्नता हुई वो देख के, अभी रात को भी दिखी वो साफ सुथरी अच्छी दीवार पूरी की पूरी पड़ी है, बात छोटी सी लगती है लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे चैरिटी बिगिन एट होम, हमें सफाई अपनी जगह से शुरू करनी है। रेलवे से तो सफाई की बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, इसलिए जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हमें सफाई बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा देख के, एंड दैट्स व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट ऑफ यू, वांट यू टू डू दैट। बस और चीज़ों का इस वक्त जिक्र नहीं करूँगा, बात अच्छी लगी साथ वो कहा है। मैं जितेंद्र सिंह जी को, उनका जो लंबा अरसा आपका वो नेतृत्व करते रहे, आपके साथ रहे, उनको दो तरफ से देखा जाता है, जब रिटायरमेंट आती है, एक तो इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, नया उसे शुरू होती है, दूसरा कोई आदमी जिसकी पेसिमिस्ट अप्रोच हो वो समझता है कि नहीं, लेकिन मुझे प्रसन्नता ये हुई यहाँ आके देख के कि आप सभी बहुत पुराने लीडर्स जो इनके इस फेडरेशन के साथ रहे हैं, इसमें सतर्क रहे हैं, इसमें उसके बाद कार्यशील रहे हैं, वो सभी आज आपके बीच में ऐसा ही एक परिवार में रहते हैं, उसके लिए मुझे विश्वास है कि वो बहुत एक और भी ज़्यादा गति के साथ, और भी समय लगा के, क्योंकि दफ्तर का काम नहीं होगा, वो आपके साथ काम कर सकेंगे। बहुत बहुत वर्ष पहले मैं एक बार डेनमार्क, कोई 40 वर्ष की बात है शायद, 2 दिन एक जगह रहा था, एक बुज़ुर्ग मुझे 2 दिन वहीं मिले, थोड़े से इनिब्रिएटेड स्टेट में, तो मैंने कहा भी हाउ डज ही हैव दिस लग्जरी ऑफ बींग अन टू हिमसेल्फ, अच्छे धुत में थे, मैंने उनसे पूछा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, उनका जवाब था डोंट यू नो दैट आई एम अ पेंशनर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप सभी जो रिटायर हुए हैं, पेंशनर्स हैं, समय आपको ऑर्गेनाइजेशन में और काम करने का बहुत मिलेगा। मैं आपको और आपके सभी साथियों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मंत्री, आपने हमें इतना अमूल्यवान समय दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं फेडरेशन की तरफ से। एक आपको और सूचना देते हैं, हमारे बीच में विभिन्न प्रतिभाओं वाले प्रमोटी अधिकारी हैं, जिसमें से एक श्री अमिताभ कुमार जी हैं जो AOM लखनऊ हैं, उनकी आज ये दूसरी पुस्तक ऑपरेशन लॉगआउट भी प्रकाशित हुई है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसकी एक एक प्रति हम इन लोगों को भेंट करने के लिए श्री अमिताभ कुमार जी के लिए तालियां बजाएं। ये हमारे प्रमोटर ऑफिसर हैं जिनकी ये दूसरी बुक पब्लिश हुई है, और पाइपलाइन में एक दो और किताबें हैं, ये कैसे ऑपरेशंस का